जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का अल्फाबेट आर स्टार्ट करने वाले हैं और ओवरऑल पार्ट नंबर 27 है। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स होंगे, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, पुलिस, एसबीआई, आईबीपीएस या आप कोई और एग्जाम देना चाहते हो। सो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पहला इडियम है हमारा आज का, रेन कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, रेन का मतलब होता है बारिश, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज बारिश होना, रेन हैवीली। ठीक है, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में मूसलाधार बारिश होना। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऐसे करके भी क्वेश्चन दे देगा जो आपका कॉमन एरर होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। रेन लाइक कैट्स एंड डॉग, एग्जाम में आपको ऐसे लिख के दे देगा रेन लाइक कैट्स एंड डॉग और आप ध्यान देंगे नहीं तो फिर क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि लाइक नहीं आता है, सिर्फ रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट इडियम है रेनी डे। अब रेनी डे का मतलब क्या होता है, देखिए रेनी डे का मतलब होता है भविष्य का कोई ऐसा समय जब आपको पैसों की तंगी आएगी। कैसी तंगी आएगी आपको, पैसों की, फाइनेंशियल नीड। ठीक है, सो रेनी डे मतलब भविष्य में होने वाली पैसों की दिक्कत वाला समय। सो इसीलिए वी शुड सेव एवरी टाइम सम मनी फॉर द रेनी डेज, भविष्य में आने वाले फाइनेंशियल इश्यू वाले डेज के लिए हमें बचाना चाहिए। ठीक है, अगला इडियम देखिए, नंबर थर्ड इडियम है रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है मतलब जानना, मतलब कोई सीक्रेट समझना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सीक्रेट समझना या किसी पॉइंट को समझना या कोई केस सुलझाना। ठीक है, सो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है बेसिकली छुपा हुआ अर्थ समझना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रीड बिटवीन द लाइन मतलब छुपा हुआ अर्थ समझना या जानना। ठीक है, चलिए अगले ईडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारा कॉट रेड हैंडेड। आपको ये या तो सिंपल रेड हैंडेड में दे सकता है या फिर आपको लिखा मिलेगा कॉट रेड हैंडेड। देखिए, रंगे हाथों पकड़ना, ये तो हमने हिंदी में कई बार सुना भी है। क्या कब बोलते हैं हम इसे, जब कोई अपराधी अपराध करते समय पकड़ा जाता है तो उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना, यानी जब आप अपराध कर रहे हैं उसी समय आपको पकड़ लिया जाता है, एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, जैसे आपके लाइफ की जॉइनिंग डे जो होगी ना, आपकी जॉब की जॉइनिंग डे सीजीएल के थ्रू, वो आपकी होगी रेड लेटर डे। सो एक बहुत ज्यादा यादगार और इंपॉर्टेंट डे या हैप्पी ओकेजन कहलाता है रेड लेटर डे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का क्या मतलब होता है, रेड टैपिज्म का मतलब होता है लाल फीता शाही। इंग्लिश में रेड टैपिज्म, हिंदी में लाल फीता शाही। हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, देखिए जब भी आप किसी सरकारी, स्पेशली सरकारी काम से जब आप किसी दफ्तर में जाएंगे, सो वहां क्या होता है, आपको आपको बोला जाता है इस पर्सन के पास जब आप वहां जाते हैं, फिर बोला जाता है आप वहां जाओ, फिर आपको किसी और जगह भेज दिया जाता है। इस तरीके से आपके जो काम है उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है और वो नहीं करते हैं, सो उसको बोलते हैं लाल फीताशाही या रेड टैपिज्म। ठीक है, अगला देखिए, रेस्ट ऑन वन्स लॉरियल्स। रेस्ट मतलब, रेस्ट ऑन का मतलब क्या होता है, देखिए रेस्ट ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना। रेस्ट ऑन का क्या मतलब होता है, निर्भर रहना। सो वन्स लॉरियल्स, लॉरियल्स मतलब होता है पास्ट में आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको पैसा मिलता हो, जैसे आपने रॉयल्टी के बारे में सुना होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं उसको पेटेंट करवाकर बेचना शुरू करते हैं या फिर कोई बुक आप लिखते हैं
बाद में वो जितनी बिकती जाएगी उसका रॉयल्टी हमेशा आपको मिलता रहता है, तो इसे कहते हैं लॉरियल्स। मतलब पास्ट में कोई ऐसा अचीवमेंट जिसका बेनिफिट आपको आज भी मिल रहा हो, तो इसे बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स, यानी पास्ट में की गई अचीवमेंट पे डिपेंड करना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है राइमे और रीजन। राइमे और रीजन का मतलब होता है कोई भी रीजन, एनी रीजन, एनी सेंस, एनी लॉजिक और एनी मीनिंग, किसी भी कारण से। ओके, अगला देखिए। अच्छा, इसको करने से पहले एक और देखिए, एक और ईडियम बनता है, कई बार यहाँ पे विदाउट लगा दिया जाता है, विदाउट राइम और रीजन। सो अगर राइम और रीजन होगा तो इसका मतलब होगा कोई भी कारण से आप काम कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक देके। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, विदाउट एनी सेंस, विदाउट एनी लॉजिक। सो दोनों को आप याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है राइट हैंड मैन। आपने हिंदी में सुना होगा दायां हाथ। ये जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सम पर्सन, उस गैंगस्टर का दाहिना हाथ है, दायां हाथ है, या आपने फिल्मों में कहते सुना होगा कि छोटा शकील मेरा राइट हैंड है ना, जैसे आपने शायद सुना होगा छोटा शकील दाऊद का राइट हैंड था। सो उसे जो मुख्य सहायक व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं राइट हैंड मैन या दायां हाथ। अगला देखिए, अगला है रॉक द बोट। रॉक द बोट का मीनिंग देखने से पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपोज करिए कि आप किसी बोट में बैठे हैं और आप कहीं जा रहे हैं, तो बोट पर बैठ के जाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी बैलेंस की, तभी आप अच्छे से बोट को रन कर पाएंगे पानी में। अब रॉक का मतलब क्या होता है? रॉक का मतलब होता है कोई चट्टान। रॉक द बोट का मतलब हो गया बोट से चट्टान का टकराना, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो रॉट द बोट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब एनी सिचुएशन विच वॉज अदरवाइज स्टेबल। यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में नाव की अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है, कोई भी आपका लाइफ में कोई काम होगा तो वो अगर डिसबैलेंस हो गया तो रॉक द बोट, है ना, तो आप बोल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन क्या होगा? रोलिंग स्टोन कहने का मतलब है जो कभी इधर रोल कर रहा है, कभी इधर रोल कर रहा है। हम हिंदी में एक मुहावरा यूज करते हैं, बिन पैंदे का लोटा। हम कब यूज करते हैं बिन पैंदे का लोटा? देखिए, लोटे के नीचे पेंद लगी होती है जिसके कारण वो एक जगह स्टेबल रहता है, अगर पैंदा ही नहीं होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। सो वो ही डिनोट कर रहा है इंग्लिश में रोलिंग स्टोन को, ए रेस्टलेस पर्सन, मतलब जो कभी भी स्थिरता के साथ काम नहीं करता या एक साइड फिक्स नहीं रहता, कभी दाएं पलटता है, कभी बाएं पलटता है, कभी इसकी तरफ हाँ कभी उसकी तरफ हाँ, उसे उसे कहते हैं रोलिंग स्टोन पर्सन। ठीक है, अगला देखिए, रॉयल रोड। अब रॉयल शब्द लग गया है तो ये कोई अच्छी बात ही होगी। सो रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता। ठीक है, जैसे एक एक इडियम होता है रॉयल ब्लड, इसे बोलते हैं शाही खून या शाही व्यक्ति। जैसे रॉयल पीपल होता है ना, महाराजा महाराजा, उनकी उनके रिश्तेदार या उनके ब्लड लाइन में होता है, तो उनको बोलते हैं रॉयल ब्लड। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा रूल द रूस्ट। देखिए, रूल द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेट करना, रोब जमाना। ठीक है, सो मतलब बिल्कुल धाकड़ तरीके से अपना रोब जमाना, उसे कहते हैं रूल द रूस्ट। रूल का मतलब ही होता है रूल करना, रूल लाइक रूस्ट मतलब एकदम एकदम दबंग की तरह हरकतें करना। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा रन अम्यूक। सो रन अम्यूक करने के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए अम्यूक का मतलब। अम्यूक का मतलब होता है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर भागना, या जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर के अपनी हरकतें करना। बोलते हैं ना, जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम बोलते हैं जैसे मिर्गी चढ़ गया, हम मजाक में बोल देते हैं ना उसको, तो मिर्गी चढ़ गया है, या सच में किसी को चढ़ गया हो तो वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करता है। सो उसे ही बोलते हैं एम्यूक, और उसे ही बोलते हैं रन एम्यूक। सो आपको रन एम्यूक याद करने की जरूरत नहीं है, आप एम्यूक याद कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। मेड विद मर्डरस फ्रेंजी, सनक सवार होना। फ्रेंजी का मतलब भी होता है
कैरी अवे एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, कैरी अवे, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत काम आता है, ठीक है। कैरी अवे का मतलब होता है फ्रेंजाइड होना, एम्यूक हो जाना, थोड़ा इनसेन हो जाना, पागलों वाली हरकत करना, अनकंट्रोलेबल हरकत करना, ठीक है। अगला देखिए, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है एवरेज पर्सन, कॉमन पर्सन, या किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज कर सकते हैं, एवरेज या कॉमन। सो आप इसे ऐसे याद रखिए, रन ऑफ द मिल। मिल का मतलब क्या होता है, आप मिल आपको पता होगा ना, जहाँ पे छोटे मोटे काम होते हैं। सो रन ऑफ द मिल मतलब आप मिल की तरफ रन कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही कॉमन और एवरेज किस्म के पर्सन हैं। आपने जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सके, आप एवरेज को कॉमन पर्सन है, इसीलिए आपको रन करना पड़ता है रोज रोज मिल की तरफ, ठीक है। अगला देखिए, रन द गॉन्टलेट। रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है बेसिकली बुरे अनुभव से गुजरना। रन द गॉन्टलेट का मतलब बुरे अनुभव से गुजरना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिससे कि आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। मैंने आपको एक ईडियम बताया था, थ्रो द गॉन्टलेट। क्या बताया था मैंने? थ्रो द गॉन्टलेट, जिसका मतलब होता है किसी को चैलेंज देना। थ्रो द गॉन्टलेट मतलब किसी को चैलेंज देना। एक बताया था एस, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। सो एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज कबूल करना। देखिए, आपने थ्रो किया गॉन्टलेट मतलब चैलेंज दे रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया गॉन्टलेट मतलब चैलेंज ले रहे हैं। और चाहे आपने एक्सेप्ट किया हो, चाहे आपने थ्रो किया हो, आप बीच के दौरान, यानी जब आप चैलेंज में होते हैं किसी से, सो आप रन द गॉन्टलेट क्या करते हैं, रन, यू आर थ्रोइंग द गॉन्टलेट, चैलेंज देना, यू आर एक्सेप्टिंग द गॉन्टलेट, चैलेंज स्वीकार करना, यू आर रनिंग द गॉन्टलेट मतलब कि चैलेंज को अनुभव करना, यानी बुरे अनुभव से गुजरना। मतलब आपने किसी को चैलेंज दिया था, आपको पकड़ के पीटा जा रहा है, सो आप एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बुरे अनुभव से गुजरना। नेक्स्ट देखिए, रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः, ठीक है, बॉडी एंड सोल। अब मुझे बताइए, क्या रूट बिना ब्रांच के काम का है? नहीं। क्या ब्रांच बिना रूट के काम आएगा? नहीं। सो रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीटली मिलकर के कंप्लीट चीज बनाते हैं, ठीक है। बॉडी एंड सोल भी एक इडियम होता है इसका। अगला देखिए, राइज टू द ओकेशन। काफी आसान है ये, तो आप कर ही लेंगे। राइज टू द ओकेशन का मतलब होता है बिल्कुल जब आपको जरूरत हो तभी आप राइज करते हैं, मतलब उठ खड़े होते हैं, अपना अवसर चेक करते हैं, अवसर के अनुसार करना, एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ओकेजन की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, OCCASION। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे कर रहे थे ओकेजन, तो वहां पे हो जाता है गलत, और स्पेलिंग एरर में भी कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। सो आपका सही क्या हो जाएगा, ओकेजन। अगला देखिए, रन शॉर्ट ऑफ। रन शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा। सो रन शॉर्ट ऑफ का मतलब है किसी चीज का अभाव होना। माई कार इज रनिंग शॉर्ट ऑफ पेट्रोल। सो मेरे कार में पेट्रोल की कमी है। अगला देखिए, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन मैन, बहुत ही आम आदमी। आप ना तो आपकी कोई रैंक, सॉरी, रैंक एंड फाइल, ना तो आपकी कोई रैंक है और ना ही आपके कोई अच्छी सी प्रोफाइल है, क्योंकि आप एक बहुत ही कॉमन पर्सन हैं। आपने एसएससी में जॉब लिया, ना तो आपको कोई रैंक मिली, ना तो आपको कोई फाइल मिली, तो क्योंकि आप एक कॉमन पर्सन है, या फिर रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन मैन। कैसे? आप हमेशा अपने रैंक एंड फाइल की चिंता करते रहते हैं, आप हमेशा रैंक और फाइल के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि आप एक कॉमन पर्सन है, ठीक है। आई होप कि आपको ऐसे याद हो रहा हो ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हमने 2016 से लेकर के 2020 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर रहे हैं, आधा से ज्यादा हो भी चुका है, तो प्लीज आप उसको भी देखिए वीडियो में, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आगे देखते हैं, रेड हेरिंग। अब रेड हेरिंग आपको याद करना है, रेड हेरिंग बोलते हैं समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। सो जो भी चीजें आपकी जिंदगी में हो, घर से लाइब्रेरी तक, जहां आप पढ़ाई करने जाते हैं,
जो आपको भटकाता हो आप बोल दीजिए आप रेड हेरिंग हो मेरे लिए, गेट अवे फ्रॉम मी, यू आर रेड हेरिंग फॉर मी, ठीक है, मतलब आप मेरा ध्यान भटकाने वाले हो। अगला देखिए, रिप अप द ओल्ड सोर्स। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, रिप अप द ओल्ड सोर्स, काफी आसान है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोर का मतलब क्या होता है। एस ओ आर ई, सोर का मतलब होता है वुंड या वाउंड या कोई घाव या कोई स्कार, कोई चोट लगा होता है ना आपको किसी जगह पे, उस घाव चीरा, उसे बोलते हैं सोर। ओल्ड सोर मतलब पुराना घाव, रिप अप मतलब निकालना। सो रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है कि भूले हुए झगड़े को फिर से निकाल करके लड़ाई शुरू कर देना, ठीक है। अगला देखिए, रेड रैग टू ए बुल। रेड रैग टू ए बुल का मतलब आप बेसिकली समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है सांड को रेड कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए, वो गुस्सा हो जाता है। और रैग का मतलब होता है कालीन, कालीन मतलब जिसे होते हैं ना कालीन चटाई टाइप का कपड़ा, उसे बोलते हैं रैग। सो रेड रैग टू ए बुल मतलब आप लाल कपड़ा दिखाएंगे बुल को तो फिर तो आप गए कान से। अगला देखिए, राइड रग शोड ओवर। राइड रग शोड ओवर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी चीज को हाई हैंडेड फैशन में ट्रीट करना। अब हाई हैंडेड फैशन का मतलब होता है डोमिनेट वाले तरीके से, घमंड में दिखा करके थोड़ा सा ट्रीट करना, ठीक है, उसे बोलते हैं राइड थ्रू शोड ओवर। तो शोड का मतलब क्या होता है, शोड का मतलब होता है आपने जब घोड़े पे अगर कभी चढ़े होंगे या फिल्मों में देखे होंगे, पीठ पे कुछ कपड़ा लटका होता है एक, जिसमें नीचे पैर रखने का एक इस तरीके से बना होता है खांचा, उसमें पैर रख के चढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं शोड, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रीट करना लोगों को, तो बिल्कुल घमंड वाले तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, समझ आ रहा है या नहीं, कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान है, कॉमेंट करिए मुझे बताइए, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो। अच्छा, लास्ट स्टेडियम बचा हुआ है, इसे देखिए, रब वन द रॉन्ग वे। रब वन द रॉन्ग वे का मतलब होता है किसी को परेशान करना। देखिए रब मतलब क्या होता है, रब मतलब होता है रगड़ना, रब मतलब क्या होता है रगड़ना। वन द रॉन्ग वे, अगर आप किसी को गलत तरीके से रगड़ेंगे, या अब सोचिए आपका कोई फ्रेंड बैठा है, आप जबरदस्ती उस पर हाथ इस तरीके से हिला रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। जैसे जानवर, जानवर जो होते हैं ना उनको रब करने का एक तरीका होता है, अगर आप उनको एक तरीके से रब करेंगे ना तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जैसे कोई भी जानवर आपको मिल जाए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, आप जंगल में जाकर मत करना ऐसा, मतलब उनको अगर आप गर्दन के पास हल्का सा रब करोगे तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीके से रब करोगे तो फिर वो आपको दुलत्ती मारेगा, ठीक है। सो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है आज का अपना idiom phrases, और आपका अल्फाबेट आर भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा हो लेक्चर, समझ में आया हो, मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आगे जो बचा हुआ है एस से लेके जी तक हम इसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।